आलू भर गया है यहाँ पे। इधर कुछ दिन से गंगा में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगा है। बात चलेंगे उधर, बहुत आगे चलते हैं, उधर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। कितना धूल उड़ा रहा है, कितना बालू उड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन जो भी कोई आने के बाद काफ़ी मज़ा आता है, और उधर आपको भीड़ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, तो सब लोग यहाँ पे आते हैं। वैसे भी सनसेट व्यू तो है ही यहाँ का, और इधर का नदी देख के तो आपको और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि एकदम समुंदर की तरह दिख रहा है, पानी भी काफ़ी नीला नीला है। और वहाँ पर काफ़ी लोग अभी नहा रहे हैं क्योंकि गर्मी का दिन है, वो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, चींटी की तरह दिखाई दे रहे हैं। जाने वाला है नीचे, नीचे नहीं अभी जगह है वहाँ पे, आप जाइए, नहीं गिरिएगा, जाइए। अच्छा किनारा दिखाएं, देखिए यहाँ पे मिट्टी यहाँ पे भड़क चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे एकदम करीब से पूरा नीचे गड्ढा हो गया है। ऐसे गिरने वाले नहीं थे वहाँ से, अभी चलते हैं और आगे। ये देखिए यहाँ पे कितने लोग गर्मी के दिन में गंगा जी में आके नहा रहे हैं। बहुत दूर पे भी पानी बहुत कम है और वो उठा के ऊपर से गिरा रहे हैं। बगल में गंगा होने का एक फ़ायदा तो है कि आप यहाँ वाटर पार्क का मज़ा ले सकते हैं। वाटर पार्क जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिन दोपहरिया जब आना आइए और नहाइए। और बहुत से लोग भी आते रहते हैं यहाँ, गजब का नज़ारा है। लेकिन यहाँ पे बोट राइड तो कर ही सकते हैं। भी हो चुका था तो वहाँ तो जाते ही रहते हैं, और अभी चलेंगे वहाँ पानी के पास एकदम मस्त, और उधर पूरा मरीन ड्राइव है, वहाँ पे सारा दुकान वगैरह लगा हुआ है। तो आज बोट का दिन था और बोट दे चुके हैं, तो आप लोग भी जाके बोट दीजिए और जिताइए, क्योंकि बोट देना काफ़ी ज़रूरी है और जिताना, तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना। और मौसम काफ़ी मस्त है तो आज आए हुए यहाँ पे, और गंगा कितना साफ है आपको नज़र आ रहा होगा, नीला नीला सा पानी है, और वहाँ तो वाटर पार्क की तरह लोग पानी में ही नहा रहे हैं। थोड़ा देर पहले आपको दिखाई थी वहाँ पे, तो वाटर पार्क जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे गंगा में आइए और एकदम शुद्ध नहाइए, और शाम को इंजॉय भी कीजिए। और इधर तो पूरा मैच का फील्ड मैदान बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, लोग क्रिकेट खेलने आते हैं। गंगा किनारे पानी के पास जो शाम होता है उसका बात ही कुछ अलग होता है, और वैसे भी उधर शहर है, उधर टेंशन वाली ज़िंदगी है, और इधर नदी है, सुकून वाला ज़िंदगी है। तो जो भी आपको चूज करना है कर सकते हैं, सुकून चाहिए तो नदी किनारे आइए। ये देखिए करीब से आप पानी दिखाते हैं यहाँ पे, कितना नज़दीक है, और कुछ लोग पानी के अंदर गए हुए हैं, और कितना एकदम क्लीन सा पानी है, एकदम साफ और कलरफुल पानी है। और यहाँ पे एक नंबर वाला नज़ारा है, रियली में जितना मोबाइल में वीडियो दिख रहा होगा उससे ज़्यादा सुकून यहाँ पे आने के बाद मिलता है। क्योंकि आप पहाड़ में जाते हैं या फिर कहीं समुंदर किनारे या नदी किनारे, तो एक अजब सा वाइब होता है जो जाने के बाद ही आपको फील होता है, ऐसे आपको होने वाला तो है नहीं। और ये पानी का लहर, और थोड़ा थोड़ा धुंधला टाइप से यहाँ का वातावरण हो चुका है, बालू के वजह से हुआ है कि पता नहीं, इस साइड भी आपको दिखाते हैं, तो जिस टाइप का दिख रहा है उस टाइप का ही हो रख गया है यहाँ पे। और बहुत से लोग हैं उधर, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और पानी ठंडा है कि गर्म वो आपको बताते हैं, और शाम खुला खुला आसमान के नीचे बात ही अलग है।
पास आइए साहब, माइक थोड़े है, जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ बस, लेकिन पूरा हटना चाहिए। हम पूरा हट रहे हैं ना कि फट रहे हैं? नहीं नहीं एकदम हट रहे हैं। गंगा नदी ना ये दिखाई दे रहा है ना, पानी पूरा दिख रहा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि गंगा नदी में नहाने से पाप धुलते हैं, ये बहस का एक लंबा विषय है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो आत्मा को चैन मिलता है, जो सुकून मिलता है, वो अतुलनीय है। इसलिए कभी आप भी आएँ और नदी से ये छोटा स्नान ज़रूर करें। मेरे दोस्त सीन दिखा दीजिए, चरबगली चरबगली घुमा दीजिए। हमारी बाइक वहाँ पे है, कैसा लग रहा है पानी? बहुत ही आनंदनीय। तो जरा से पास आ जाए, पास आ जाए। वाटर पार्क में नहाने वाले हाय हेलो वाले लोगों, कभी गंगा नदी में आके स्नान करके देखो, आत्मा मंत्र मुग्ध हो जाएगा। बहुत ही ठंडा लग रहा है, लेकिन इसमें एक ही रिस्क है कि जब भी आए किसी के साथ आए, ज्यादा दूर ना जाए, बस एक हाथ एकदम कबूतर स्नान करिए। ज्यादा दूर जाइएगा फिर आए पड़ जाइएगा, फिर जिंदगी में स्नान नहीं कर पाइएगा। चलिए चरबगली घुमा दीजिए। वैसे यहाँ के पानी में नहाने के बाद घुमा दो हो जाएगा चारों बगल। हाँ घुमाते हैं, और इधर का तो एकदम एवन वाला मौसम है। ये आपको ऐसा फील हो रहा होगा, वहाँ पे अंधेरा है, ऊपर भी आपको नजर आ रहा होगा, मुझे ऐसा यहाँ पे फिलहाल अभी ऐसा लगा। और इधर देखिए कितना उजाला है, कैमरा में उतना नज़र नहीं आता है, ऊपर लाइट देख के आपको नज़र आ रहा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मॉर्निंग का समय होने वाला है, और इधर से सूरज उगने वाला है और इधर डूबने वाला है, उसी टाइप का माहौल यहाँ पर बन चुका है। पता नहीं क्यों बन चुका है, लेकिन ऐसा ही लग रहा है। इधर अंधेरा टाइप से लग रहा है, और इधर पूरा लाइट उजाला टाइप से लग रहा है। वाह पानी में खेलने में मजा आ रहा है। नहीं आप कौवा स्नान कर रहे हैं, बत्तख का स्नान तो हो गया, अब आप कौवा स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। लाल लाल सा मौसम हो चुका है शाम के समय का, एक नंबर वाला नजारा है। पीछे का और भी मस्त है। तो अभी चलेंगे यहाँ से, अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। काफ़ी तेज हवा हो रहा है यहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आया। और पीछे का आपको सीन नज़र आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। वैसे काफ़ी तेज हवा चल रहा है, तो आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रहा होगा आपको। और शाम का समय है, और अब लगभग लगभग रात होने वाला है। मौसम काफ़ी मस्त है, और बहुत से लोग हैं यहाँ पे। सबसे अच्छा तो गंगा का नज़ारा है, और एवन वाला मौसम है जो आपको यहाँ आने के बाद फील होने वाला है। आप कितना भी देख लीजिए वो फील नहीं आने वाला है। और इधर मौसम लाल लाल टाइप से हो चुका है, क्योंकि सनसेट डूब चुका है। और हम लोग आए थे यहाँ पे एंजॉय करने, तो काफ़ी मज़ा आया। कुछ रील भी बनाए, कुछ वीडियो भी बनाए। इतना तेज है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। ये रहा गंगा, और ये रहे हम, हो रहा इधर का नज़ारा। तो अभी चलते हैं, गाड़ी वहाँ पे लगा हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा हवा लग रहा है, तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी थोड़ा देर और रुकेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे।
वीडियो का आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, तो एंजॉय कीजिए। अभी थोड़ा देर और रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से चलेंगे। इस रात हो चुका है और इधर पूरा अंधेरा सा है, वहाँ पे बहुत सारा नाव है और यहाँ पे भी चल रहा है नाव, और उधर एकदम जगमगाता हुआ अपना पटना शहर। ये पानी की आपको लहर सुनाई दे रही होगी एकदम, मक्खी बहुत कीड़ा उड़ रहा है यहाँ पे, और बालू भी है, इधर घोड़ा भी है। कितना सारा मक्खी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, रोड भी है ऊपर खबर, पूरा बालू वाला रास्ता, और बहुत सारा मक्खी भिनभिना रहा है यहाँ पे। अंधेरा होने के बाद गंगा नदी का जितना भी कीड़ा है सब लाइट को देख के आ जाते हैं, और अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि शाम होने के बाद भी यहाँ का नज़ारा काफ़ी बढ़िया होता है, इसलिए लोग यहाँ रुकते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए। और अब ऊपर चढ़ाने वाले हैं, इधर से नहीं निकलेगा, कहाँ निकल जाएगा, आगे से तो एक जा रहा है। इधर पानी इधर से बाइक को चढ़ाएंगे, इधर से है रास्ता। क्या हुआ, अटक गया क्या? निकल गया ऊपर, बालू में काफी दिक्कत होता है। चलिए इधर से ही, कीड़ा आपको नजर आ रहा होगा बहुत ज्यादा उड़ रहा है यहाँ पे, और इधर अभी भी आदमी हैं, बहुत से लोग हैं अभी यहाँ पे, लेकिन उस साइड धीरे धीरे आदमी सब वहाँ से जाने लगे हैं। और यहाँ पे बना दिया गया है पार्किंग, मस्त आइए, गाड़ी लगाइए, एंजॉय कीजिए, और आज भीड़ नहीं है।